जी हाँ, आचार्य चाणक्य की नीतियों में हर समस्या का समाधान मिलता है और जीवन की हर चुनौती में चाणक्य नीति सर्वश्रेष्ठ साबित भी होती है। बता दें आपको, कुछ ऐसे ही बातों के पालन का मार्ग दिखाकर जीवन में शांति की स्थापना का सूत्र पिरोते हैं चाणक्य जी। उनके अनमोल वचन से किसी की भी जिंदगी संवर सकती है। तो आइए आज अपने इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि जीवन से तमाम दुखों की समाप्ति के लिए आखिरकार क्या है चाणक्य नीति के अचूक उपाय, जो हर मनुष्य को जरूर अपनी जिंदगी में आजमाने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, ना हो कभी अन्न का अपमान। जहां चाणक्य के अनुसार आपकी थाली में अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपका घर यानी कि आपके घर के साथ साथ आप कभी भी सुख समृद्धि को हासिल नहीं कर पाएंगे। जहां पर भी अन्न का अपमान होता है उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती है। नंबर दो पर बात करते हैं, धन का अपव्यय। जिस घर में धन को गलत कामों में इस्तेमाल किया जाता है, गलत तरीके से यूज किया जाता है, उस घर में हमेशा कलह की संभावना बनी रहती है, जिस कारण वहाँ कभी भी खुशनुमा माहौल नहीं बनता। बता दें आपको, माता लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का भी वास नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, दाम्पत्य जीवन में कभी ना हो कपट। जिया पति पत्नी के मधुर रिश्ते में यदि कपट का स्थान हो और वो एक दूसरे से बातें छुपाते है तो वो रिश्ता नहीं चल पाता। जी हाँ, तो कभी भी पति पत्नी को आपस में कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, ना ही किसी को धोखे में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति चली जाती है और व्यक्ति के जीवन में दुखों का संसार, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जी हाँ, ज्ञानियों की बातों पर हमेशा अमल करें। चाणक्य जी कहते हैं, यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति गरीब है और कोई मूर्ख व्यक्ति अमीर है, फिर भी हमें ज्ञानी व्यक्ति की ही बात का अनुसरण करना चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। साथ ही अपने गुरु, अपने से बड़े लोगों का कभी भी अनादर अपमान नहीं करना चाहिए। इससे भी भगवान रूठते हैं और आपके जीवन में दुखों और परेशानियों को लेकर आते हैं। तो ये थी तमाम बातें जिनको अपने जीवन में उतार कर आप सुख की तरफ बढ़ सकते हैं, जीवन में सकारात्मकता की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से इंदु की रिपोर्ट।